और जो टाइप है नेक्रोसिस की, एक कैशियस नेक्रोसिस है कि व्हाट इज कैशियस नेक्रोसिस। कैशियस नेक्रोसिस उसको कहते हैं जी सॉफ्ट फॉर्म ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू, जो कि हमारे जो टिश्यू क्या होता है सॉफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो कि लाइक दिखता है कॉटेज चीज लाइक उसकी अपीरेंस होता है, उसको कैशियस नेक्रोसिस कहते हैं। कि कैशियस नेक्रोसिस की जो पहचान से किस तरह हम इसको देख सकते हैं कि इसको कैशियस नेक्रोसिस होता है, उसकी कॉर्डन चीज लाइक अपीयरेंस होता है, जो कि कम्बिनेशन ऑफ कोगुलेटरी एंड ल्यूकोफेटी नेक्रोसिस। जो कि कैशियस नेक्रोसिस कब बनता है, किस वजह से होता है, जो कि अगर किसी भी पेशेंट में कम्बिनेशन ऑफ कोगुलेटरी नेक्रोसिस और ल्यूकोफेटी नेक्रोसिस हो, उसकी वजह से क्या होता है, कास होता है। नेक्स्ट जो टाइप होते हैं नेक्रोसिस जो कि कैशियस नेक्रोसिस कास करते हैं। और अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन जो कि एज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैशियस नेक्रोसिस, जो कि ट्यूबर एग्जांपल की अगर बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस एंड फंगल इन्फेक्शन, जो कि ट्यूब अगर किसी पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस हो या फंगल इन्फेक्शन हो किसी भी पेशेंट को, जिसकी वजह से कैशियस नेक्रोसिस होता है, जो कि एग्जांपल ऑफ कैशियस नेक्रोसिस है। अगर हम फाइव फैट नेक्रोसिस की अगर बात करें कि व्हाट इज फैट फैट नेक्रोसिस और ये फैट नेक्रोसिस किसकी वजह से होता है और इसकी काज क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है, अगर उसकी बात करें तो फैट नेक्रोसिस इज अ टिश्यू विद द फॉर्म ऑफ चाल की अपीयरेंस ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। इसमें फैट नेक्रोसिस है जो कि इसकी अपीयरेंस से चाल की वाइड की तरह होता है और इसकी अपीयरेंस होता है। इसमें क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, जब कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाता है तो तब ये क्या होता है, फैट नेक्रोसिस होता है। अगर इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ट्रोमा ऑफ फैट, जो कि ट्रोमा हुआ अगर ब्रेस्ट में तो वहाँ पे क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से फैटी एसिड रिलीज होता है। ट्रोमा ब्रेस्ट मेटास्टेटिक से कैल्शियम में, व्हेन सेवियर ऑफ कैल्शियम, जब ज्यादा कैल्शियम क्या करे इन फॉस्फेट्स लीड टू डिपोजिशन, जब कैल्शियम और फॉस्फेट की ज्यादा डिपोजिशन हो तो उस वक्त जो नॉर्मल टिश्यू में डिपोजिशन हो कैल्शियम और फास्फेट, जब कैल्शियम और फास्फेट की लेवल अगर नॉर्मल टिश्यू में ज़्यादा हो जाए, डिपोजिशन हो एक्यूमुलेशन हो, तो उस वक्त क्या होता है, फैट नेक्रोसिस से होता है। अगर इसके एग्जाम्पल हम बात करें तो हाइपरथायरायडिज्म होता है, जो कि लीड टू नेफ्रो कैल्सिनोसिस से, जो कि हाइपरथायरायडिज्म हो जाते हैं और ये लीड करते हैं नेफ्रो कैल्सिनोसिस, जो कि नेफ्रो कैल्सिनोसिस उसको कहते हैं जिसमें डिपोजिशन होता है कैल्शियम, हमारी किडनी के अंदर कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाते हैं, इसकी वजह से फैट नेक्रोसिस होकर होता है, मोस्टली अफेक्टेड किडनी करता है। और फिब्रोनाइड नेक्रोसिस, व्हाट इज फिब्रोनाइड नेक्रोसिस, तो फिब्रोनाइड नेक्रोसिस नेक्रोटिक डैमेज ऑफ ब्लड वेसल वॉल, अगर हमारी ब्लड वेसल वॉल के वॉल अगर डैमेज हो तो उसकी वजह से क्या होता है, जो प्रोटीन है लीकेज ऑफ प्रोटीन एंड फेब्रिन क्या होता है, लीकेज होता है, उसकी वजह से फिब्रोनाइड नेक्रोसिस होने के चांस और हो जाते हैं इन टू द वेसल वॉल के अंदर। तो रिजल्ट में क्या होता है, अगर हम इसको चेक करना हो तो इसको हम स्टेनी मेथड के थ्रू चेक कर सकते हैं, और इसकी कलर अगर उसमें ब्लड की कलर पिंक आ जाए तो उसमें क्या होता है, फेब्रोनाइड नेक्रोसिस होता है। उसकी करेक्टरिस्टिक्स में मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन एंड वेस्कुलाइटिस, और इससे की वजह से फेब्रोनाइड नेक्रोसिस में जो मोस्ट एग्जाम्पल है मैलिग्नेंट होता है और हाइपरटेंशन और वेस्कुलाइटिस होता है। ये सारे थे नेक्रोसिस के टाइप्स, और नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट टॉपिक से कि लास्ट जो टॉपिक्स है लास्ट टॉपिक से जो कि सेलुलर इंजरी, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं ये सारे ओवरव्यू ऑफ टाइप ऑफ नेक्रोसिस। तो थैंक यू वेरी मच।